कहा भैया लोग, सब ठीक है? हाँ, तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं मोदी जी की दरभंगा की रैली, आ उसमें जो है सो हमारे नीतीश बाबू का वंदे मातरम वाला विवाद के ऊपर में। तो प्रोग्राम चालू करने से पहले जो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। हाँ, तो भैया लोग प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं, और आप देख सकते हैं वीडियो में हमारे नीतीश बाबू बैठे हुए हैं बीच में, और साइड में जो है पासवान जी भी बैठे हुए हैं, और मोदी जी वहाँ से भारत माता की जय तो जयकारा करवा रहे हैं, और सब लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा भी कर रहे हैं। इस बीच में एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि सब देशभक्ति भाव में लीन है, लेकिन हमारे नीतीश बाबू के चेहरे पे शिकन है। उनके चेहरे से साफ दिखता है उन्हें भारत माता की जय पसंद नहीं है। अब जेडीयू का ये कैसा मजबूरी है कि जिससे विचारधारा नहीं मिलता उसके साथ गठबंधन करना पड़ा है, जिन्हें भारत माता की जय सुनना पसंद नहीं है वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार चलाने की मंशा रखता है। तो आखिर जेडीयू का ऐसा क्या मजबूरी है? ये जेडीयू को स्पष्ट करना चाहिए। आप ये वीडियो को फिर से देख सकते हैं, और नीतीश बाबू को देखिए, नीतीश बाबू के चेहरे पे साफ दिखता है, साफ दिखता है कि वो परेशान है। भारत माता की जय सुनने के बाद वो परेशान है, वंदे मातरम सुनने के बाद वो परेशान है। आखिर ये परेशानी की सबब क्या है? ये परेशानी काहे उनको हो रहा है? तो इसका जवाब जो है आप जनता जनार्दन हैं, आप दीजिए। इसी के साथ जो है वीडियो आज का समाप्त करते हैं, और जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूँगा, भैया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत